ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी की मंडे मीटिंग में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले के विकास कार्य से जुड़ी सभी घोषणाओं को प्राथमिकता पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अमलीजामा पहनाए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जिले में किए विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन के काम तय समय में पूरा करें। उपायुक्त ने मंडी जिला से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं, शिलान्यास और भूमि पूजन से जुड़ी एक एक परियोजना का बिंदुवार ब्यौरा लिया। मंडी जिले के विकास कार्यों से जुड़ी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी घोषणाओं को प्राथमिकता पर अमलीजामा पहनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जिले में किए विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन के काम तय समय में पूरा करेंगे। ये बात उन्होंने DRDA सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व भूमि पूजन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उपायुक्त मंडी ने जिला से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं, शिलान्यास और भूमि पूजन से जुड़ी एक एक परियोजना का बिंदुवार ब्यौरा लिया, सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों से उनके विभाग से जुड़ी परियोजना में क्या काम हुआ है, क्या शेष है, इसे लेकर जानकारी ली, परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि पूछी, काम में तेजी लाकर तय समय में इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। कुछ परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने में पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली, उनके निराकरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, अधिकारियों को विकास कार्य को समयबद्ध पूरा करने को कहा, विकास कार्य की प्रगति को लेकर वस्तुस्थिति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। कहा, समीक्षा बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित होगी ताकि परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली अंतर विभागीय समस्याएं सुलझाकर कार्यों को गति दी जा सके। जन कल्याण की ये परियोजनाएं शीघ्र जनता को सौंपी जा सकें। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेल एवं युवा सेवाएं, स्वास्थ्य, हिमुडा और विद्युत बोर्ड सहित अन्य सभी विभागों के मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने इसके अलावा योजना विभाग से जुड़े कार्यों का जायजा भी लिया, अधिकारियों को विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपने को कहा, विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने और जिन कार्यों में लंबे समय से धन उपयोगी है उसे लौटाने के निर्देश दिए ताकि ये पैसा विकास के किसी और काम के लिए दिया जा सके। जहां विकास के नए काम पूरे हो गए हैं वहां कार्य की लागत सहित परियोजना की जानकारी वाला बोर्ड लगाएं ताकि लोगों को परियोजना के बारे में पता चल सके। उन्होंने ई समाधान पोर्टल पर दर्शाई जन शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए। कहा, अधिकारी पोर्टल पर दर्शाई जन शिकायतों पर व्यक्तिगत ध्यान दें, अपने विभाग से जुड़ी लंबित समस्याओं का समाधान तय करें, ई समाधान पर जनमंच की समस्याओं को तय समय में निपटाएं, पोर्टल पर समस्या का निपटारा दर्शाने से पहले समाधान की गुणवत्ता तय करें। आज हमारी प्रशासन में दक्षता की बैठक आयोजित की गई मंडी में, जिसमें कि जिला के सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और उसमें विभिन्न प्रकार की हमारी जो योजनाएं हैं उसमें उसकी चर्चा की। विशेषतः जो हमारे कैपिटल वर्क्स है जिसके लिए धनराशि प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसकी समीक्षा की गई थी कि क्या प्रोग्रेस है। साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जितने भी फाउंडेशन स्टोन्स हुए हैं, जितने अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसकी भी यहाँ पर समीक्षा की गई और उसका प्रोग्रेस रिव्यू किया गया। ओवरऑल जो है प्रोग्रेस अच्छा है, काफ़ी काम हुआ है और जहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं इन अनाउंसमेंट्स में, इन इनॉग्रेशन में, उसको हमने नोट कर लिया है और आज की इस बैठक में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इनका भी हल किया जाएगा। बाकी जो और भी दिक्कत है उसके बारे में पूरी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा, SDM सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।